आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वार कोड और बार कोड को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे जनरेट किया जाता है। आप यकीन मानिए कि आपको इस तरीके का शायद ही वीडियो देखने को मिला होगा और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप वार कोड और बार कोड दोनों को जेनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वार कोड और बार कोड को किस तरीके से जेनरेट करेंगे। आप बार कोड में सिर्फ नंबर को ही जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और जनरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि बार कोड में आप मैसेज टाइपिंग कर सकते हैं, वाईफाई का पासवर्ड किसी को इसमें जनरेट करके भेज सकते हैं, कोई मैसेज, व्हाट्सअप, मोबाइल नंबर या कुछ भी जो है उसमें आप टाइपिंग वगैरह करके और जनरेट करके पास सेंड कीजिएगा, वो वहाँ पर उसको स्कैन करके रीड करेगा और आप और जिसको भेजिएगा उन दोनों के बीच में ही ये बात रहेगा कि क्या भेजा है, तीसरा इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता है। सो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप वार कोड और बार कोड को जनरेट करेंगे और उसको बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप बार कोड जनरेटर पर आ जाएंगे, या आपको ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोरी से डाउनलोड कर लेना है। आप डालेंगे प्ले स्टोरी में बार कोड जनरेटर तो आपके सामने में ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका देखिए बार कोड जनरेटर जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ प्लस वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको जो आपके पास बार कोड हो या वार कोड हो आप दोनों को इस एप्लीकेशन से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही पावरफुल ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा एड कोड है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि वार कोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ कोड बार का है, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिस फॉर्मेट में अपना वार कोड और बार कोड को आप जेनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वार कोड बनाना है तो यहाँ वार कोड वाले क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें भी आप बनाना है वार कोड को आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना वार कोड डालेंगे, यहाँ कोड डिस्क्रिप्शन डालेंगे और यहाँ लेबल डाल के आप वार कोड बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वार कोड, तो यहाँ पर आप जो भी वार कोड डालना है अपना हिसाब से डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं और यहाँ लेबल में आपको जो भी डालना है इस तरीके से लेबल में डालेंगे और यहाँ पर आपको ऊपर में देखिएगा राइट हर में टिक का ऑप्शन आ चुका है, टिक वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका वार कोड है जनरेट हो चुका है। सो इस तरीके से आपको जो भी लिखे हैं वो ऊपर में आ जाता है और जहाँ जो भी नंबर दिए वो नंबर आ जाता है। अब यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इसके बाद सेव कर सकते हैं और इसको आप जो लिखे हुए हैं उसको आप जो है करेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब एडिट करके उसको सही कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो। अगर आपको शेयर करना है तो शेयर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि इतने सारे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ फाइल का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे PNG है, इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको जो PNG, JPEG या WEBP में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली PNG ही रहने देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इमेज साइज, आप जो बार कोड है उसको साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इसके लिए इमेज साइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉर्मेट मिल जाता है, यहाँ पे स्मॉल, नॉर्मल और लार्ज, मतलब इतने साइज में अपना वार कोड को बना सकते हैं। चलिए हम सिंपली नॉर्मल रहने देते हैं तो 800x800 वाले पे ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रंट और बैक का ऑप्शन है, तो फ्रंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वार कोड का जो है डिजाइनिंग चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं कुछ डाल के दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप वार कोड बनाएं तो ब्लैक में ही बनाएं क्योंकि ब्लैक में ज़्यादा अच्छा होता है और आप देखते भी होइएगा कहीं भी कि वार कोड जो होता है ना वो ब्लैक में ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप जो अपना वार कोड को कोई भी कलर में डिजाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो सिंपली मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए फ्रंट साइज का यहाँ पे आ चुका है कलर। अगर आपको बैक का भी करना है तो सिंपली बैक वाले पे क्लिक करेंगे और इसमें से कोई भी कलर चूज कर लेंगे। चलिए मैं इस बार ये चूज कर लेता हूँ, यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर वाले पे क्लिक कर यहाँ पे देखिए
देखिएगा इतना सारा ऑप्शन आ चुका है, आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करूँगा, व्हाट्सएप पर क्लिक करते इतने सारे फॉर्मेट आ चुका है, आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं ओके करूँगा, ओके करते यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इस कलर में किया था तो ये कलर आ चुका है, मैं यहाँ से ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये जो वार कोड है इस पर्सन को यहाँ पर जा चुका है। सो इस तरीके से आप जो वार कोड को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो पर्सन इसको जैसे ही स्कैन करेगा तो मैं इसमें क्या लिखा हूँ जो वो पर्सन इसको बहुत ही स्कैन करके बहुत ही आसानी से इसको रीड कर सकता है। इस तरीके से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके वही सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन डिक्शनरी डाल सकते हैं, इसको किस में सेव करना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, अब आपको जहाँ भी इसको सेव करके रखना है यहाँ से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो फाइल नाम डाल सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप जो PNG, JPEG, WEBP में डाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है इमेज साइज को चूज कर सकते हैं, जो भी इमेज साइज में रखना चाहते हैं इस तरीके से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट और बैक का भी कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पर भी क्लिक करेंगे तो आपको जो भी जहाँ भी आप सेव करके रखना चाहते हैं वहाँ पे वो बहुत ही इजीली सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो लिखे हुए हैं वो सारे आ जाता है, आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, एड कोड पर क्लिक करें। मैं आपको बार कोड बनाना सिखा दिया हूँ, अब आपको जो बार कोड बनाना है तो मैं आपको बता दूं कि बार कोड में आप सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब नंबर को ही बार कोड बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, ईमेल, जियो लोकेशन, वाईफाई कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी आप जो है इसमें आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपको ये सब बनाना है तो आपको बार कोड में ही बनाना पड़ेगा। बार कोड में सिर्फ आप न्यूमेरिकल मतलब नंबर को ही आप जो है बार कोड बना सकते हैं। चलिए मैं सिंपली बता देता हूँ कि बार कोड कैसे बनता है, बार कोड बनाने का क्या तरीका है। तो मैं सिंपली बार कोड 128 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपका जो है बार कोड का ऑप्शन आ जाता है। इसमें अपना कोई भी नंबर जो है आपका इस तरीके से नंबर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन कोड डाल देंगे कि आपका जो क्या कोड है, इस तरीके से अपना कोड डाल देंगे। यहाँ पे अपना लेवल जो भी डालना है इस तरीके से अपना लेवल चूज कर लेंगे। इसके बाद ऊपर में देखिएगा कि राइट का टिक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर बार कोड जनरेट हो चुका है, वही सारे फॉर्मेट है, आपको यहाँ से शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करेंगे वही सारे फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपको सेव करना है तो सेव वाले पर जाएंगे और इतने सारे फॉर्मेट मिल जाता है, आपको स्टोरेज में करना है या मेमोरी कार्ड में करना है, इस पर क्लिक करके आप इसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप PNG, JPEG कुछ भी में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज साइज चूज कर लेंगे आपको जो कौन सा साइज में रखना है। यहाँ फ्रंट और बैक साइज का कलर भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके बहुत ही इजीली तरीके से ये सेव हो जाएगा। अगर आप इसको जो है किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ सेव वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो भी आप रखना चाहते हैं कलर वगैरह इसके तरीके से कोई भी कलर इस तरीके से फ्रंट और बैक का चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना साइज चूज कर लेंगे, मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ, और यहाँ शेयर वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको वही सारे फॉर्मेट आ जाते हैं जिसको भी शेयर करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जिसको भी आपको इसको भेजना है इस तरीके से ओके करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे, और यहाँ से जैसे भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए वार कोड जा चुका है। और जैसे ही ये जो मैं भेजा हूँ वो पर्सन इसको जो देखेगा और इसको स्कैन करेगा तो मैं इसमें क्या लिखा हूँ वो पर्सन इसको बहुत ही ईजिली स्कैन करके रीड कर सकता है, और मैं जिसको भेजा हूँ वो और मेरे बीच में बात रहेगा कि मैं क्या भेजा हूँ, तीसरा कोई ही पर्सन इसको जो रीड नहीं कर सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या भेजा है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप वार कोड को बना सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं अपने मनपसंद डिजाइन से। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम वार कोड और बार कोड को बनाएंगे, जनरेट करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।